हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। कल हिंदुस्तान ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। एक बहुत खुशी की बात है। इस कोरोना वायरस के महामारी में जो इस समय तक तब तक लोगों का जो हाल बेहाल रहा है, लास्ट 9 महीने से लोगों ने काम नहीं किया है, ऐसे दौर में बजट का प्रोड्यूस होना डेफिनेटली वो उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में कहा और हम भी विश्वास रखते हैं कि अब की बार में इस तरह से एक बूस्ट बजट आएगा जो आदमियों का उत्साह बढ़ाएगा। हाँ, हो सकता है इनकम टैक्स में रियायत होगा, हो सकता है और कई चीज़ों में रियायत सरकार देगी, ऐसी हम आशा रखते हुए हम जहाँ तक जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का सवाल है वहाँ में हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार उसकी ओर ध्यान दे और उसमें कुछ ना कुछ मुनाफा दे। वहाँ हम लास्ट गत वर्षों के 5 फाइनेंस मिनिस्टरों से हम करस्पॉन्डेंस करते आए, नीति आयोग से भी हमने बात की है और हमने चाहा है कि किसी तरह ज्वेलरी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो इस सरकार के दौरान में जो बढ़ावा हुआ है, जैसे भी कई कारण है, हम जीएसटी की बात करें तो 1% वैट था लेकिन उन्होंने सरकार ने 3% जीएसटी कर दी थी। इसी तरह सबसे मुख्य जो इम्पोर्टेंट इसमें मुद्दा है वो है इम्पोर्ट ड्यूटी जो 2% थी वो सरकार ने बढ़ा के अब तक 12.5% कर दी है और 12.5% से 3% उसमें जीएसटी ऐड होता है तो इस तरह जाके कुल मिला जुला कर 15.5% हो जाती है। तो ये सरकार को उसके बारे में गौर करना, उसका मैं कारण देता हूँ। मुख्य कारण ये कि आज इंटरनेशनल मार्केट में सोना जो 41-42 हज़ार के आसपास है वही हिंदुस्तान में सोना 52 हज़ार के आसपास पहुँच गया है। तो ये सब आज हिंदुस्तान में सोने के लिए लोगों की खरीदारी जो रहती है एक सेंटिमेंटल वैल्यू रहती है। आज बड़े बड़े जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, अक्षय तृतीया, गुड़ी पड़वा, धनतेरस, दशहरा, तो इस समय सोना लोग घर में ले आते हैं और अपना आपको गौरवित महसूस करते हैं कि हमारे धन में घर में कुछ शुभ चीज़ें आई है और हमारा शुभ होगा। और उसी के साथ साथ जो खरीदारी जो करती है वो हमारी महिलाएं गृहिणी है, वो अपनी सेविंग बचा बचा कर कपड़े में से, अपनी घर का जो बजट रहता है उसमें से, साग भाजी में से, अनाज में से, इस तरह सेविंग करती है कि भी 10 रुपये खर्चा होता है तो उसमें से 2 रुपये बचाती है और वो सेविंग जो रहती है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, शादी के बाद कल घर में बच्चों की शादियों के बाद कुछ होगा तो मेरे लिए ये सोना जो है मुझे अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी देगा। तो ये सब बातों को रखते हुए सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी पे ध्यान देना है, सरकार को जीएसटी पे भी ध्यान देना है, सरकार को एक पैन कार्ड का जो बड़ा इश्यू है, गृहिणी आती है इसमें सोना खरीदारी के लिए, वो सब पैन कार्ड वगैरह जैसी चीज़ों में समझती नहीं है और सेविंग से ये पैसा लेके आती है ज्वेलरी लेने के लिए, तो उसमें भी सरकार को कंसिडर करना। दूसरा, सरकार को चाहिए कि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बनाया जाए जिसके अंतर्गत हम जितने भी लोग हमारे हिंदुस्तान में बसते हैं उनको कुछ उसमें गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज से सोना इजीली अवेलेबल हो सके। आज हम लोग 800-850 टन सोना इम्पोर्ट करते हैं, उसमें से 200-250 टन सोना जो है डंप हो जाता है, लोग ऐसे ही इन्वेस्ट करके अपने बैंक और लॉकरों में रख देते हैं, उसमें से दूसरा 500 टन सोना ज्वेलरी के लिए मैन्युफैक्चर होता है, तो कहीं ना कहीं जाके 125 करोड़ की आबादी में ये सोना कम पड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार ये गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बनाया जाए। और एक पैन कार्ड का एक बड़ा इशू है जिसमें सरकार ने एक लिमिट रखी कि भी 2 लाख या उसके ऊपर आप ज्वेलरी खरीदी करते हो तो आपको पैन कार्ड प्रोड्यूस करना है। हमारे घर आने वाली सभी महिला है तो वो पैन कार्ड वगैरह जैसी चीज़ों में समझती नहीं और आज 2 लाख की वैल्यू देखें तो 2 लाख में कितना सोना आता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, एक मंगलसूत्र भी नहीं आ सकता, सरकार के प्रावधान में मंगलसूत्र पर टैक्स नहीं है। तो ये सब देखते हुए सरकार के जो मैंने 4-5 पॉइंट रखे उसमें सरकार सोचे और कल बजट जो पेश होगा हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री को किसी तरह कुछ नहीं लुभावना ये बजट दे रहे ताकि हम लास्ट जो 9-10 महीने से हम कुछ काम नहीं कर पाए, इतनी शादियों की भरमार होने के बावजूद भी हम लोग घर पे ही बैठे रहें। तो सरकार से एक बार नम्र निवेदन है कि डेफिनेटली ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में सोचें और ज्वेलरी इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ रियायत करें।